एवरीवन, मैं निशा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ रिमिस गार्डन में। आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है, इसलिए हम आज लेकर आए हैं आपके लिए ऐसे फूलों की लिस्ट जिनकी शानदार झाड़ियाँ होती हैं और इनकी कलम आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। हमारी लिस्ट में पहला नाम एक्जोरा का है। एक्जोरा, जिसे भारतीय भाषाओं में रुग्मिणी, खेमी, विरुचि जैसे और भी कई नामों से जाना जाता है, ये बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग श्रब होते हैं और इनको कटिंग से लगाया जाता है। ये आपको गुलाबी, लाल, पीला, सफ़ेद और बहुत सारे दूसरे रंगों में भी मिल जाएंगे। फ्लावरिंग आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी होती है। हर साल इन्हें प्रून किया जाता है और प्रून करने के बाद जो कटिंग निकलती है उसी कटिंग से आप इसके ढेर सारे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हार्डी प्लांट है, तो इसके बोंजाई भी तैयार होती है। बोंजाई एक्सपर्ट इसके बहुत शानदार बोंजाई बनाते हैं। आप चाहें तो हम आपको इसकी एक झलक दिखा सकते हैं। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम अलामांडा का है। अलामांडा, जिसे भारतीय भाषा में पीली घंटी, हरकारा या कोलाम्बी जैसे नामों से भी जाना जाता है, बहुत खूबसूरत पौधे हैं और इनके फूल बड़े आकार के ट्रम्पेट सिपेट होते हैं। जो फूल आप देख रहे हैं ये 5 से 6 सेंटीमीटर बड़े होते हैं और इनकी भी कटिंग ही लगाई जाती है। ये पौधे भी एक बार आप लगाएंगे तो 20-25 साल या अच्छे से केयर करें तो उससे भी ज़्यादा समय तक आपके साथ रहते हैं। इन्हें आप गमले में भी लगा सकते हैं, चाहे तो इनकी खूबसूरत फ्लावरिंग हेज भी बना सकते हैं। और ये भी हार्डी प्लांट है तो इनकी भी बोंजाई बनाई जा सकती है और बनाई जाती है। तो मुझे पूरा यकीन है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही अलर्ट्स के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जुलाई के महीने में बोगनविलिया की भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी हार्डी क्लाइंबर है और इसके बहुत सारे रंग आपको मिल जाएंगे। इन फूलों की कटिंग जुलाई में यानी बरसात में लगाएंगे तो ही इनके पौधे सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरे मौसम में इनकी कटिंग नहीं लग पाती है, इनकी कटिंग का लगना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी आप इनकी कटिंग लगाएं, रूटिंग हार्मोन के साथ लगाएं ताकि पौधों में जड़ का आना अश्योर हो जाए। बोगनविलिया की 70 से ज़्यादा किस्में और उतने ही रंग होते हैं और हर रंग अपने आप में खास। आप इनकी खूबसूरत बोंजाई बना सकते हैं, चाहे तो पॉट में लगा के रख सकते हैं, मुख्य द्वार के सामने लगा के घर का द्वार सजा सकते हैं, दीवार पर चढ़ा सकते हैं। लगे हाथ हम आपको बोगनविलिया की कुछ बोंजाई भी दिखा देते हैं। जी ललक जाए तो हमें जरूर बताइए। सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार लगाने से सैकड़ों साल तक रह जाते हैं। इन सब के अलावा आप अभी जुलाई के महीने में यानी बरसात में कनेल की भी कटिंग लगा सकते हैं। कनेल मुख्यतः पीले रंग का होता है, लेकिन इसकी सफेद और नारंगी रंग के फूलों की किस्में भी होती हैं। हालांकि यह बीजों से भी लगता है, लेकिन अगर आप जल्दी पौधा बड़े आकार का देखना चाहते हैं तो आपको इसे कटिंग से ही लगाना चाहिए। यह एंटीफंगल गुणों से भरपूर होता है। इसका बड़ा पेड़ होता है झाड़ीनुमा, जिसकी आप बोंजाई की शक्ल दे सकते हैं। और वैसे ये आउटडोर प्लांट है, इसे धूप चाहिए। हमने इतने सारे फूलों की बात की, लेकिन हम हिबिस्कस या चाइना रोज या गुड़हल को कैसे भूल सकते हैं। इसके बहुत सारे रंग होते हैं और ये पौधा भी कटिंग से लगता है। बहुवार्षिक पौधा है, एक बार अगर इसे लगा लेंगे तो ये सालों साल आपके साथ रहेगा। अगर आप चाहें तो इंडोर हिबिस्कस यानी गुड़हल की कटिंग कभी भी साल के 12 महीने किसी भी समय लगा सकते हैं, लेकिन अगर आउटडोर लगाना चाहते हैं तो जुलाई का महीना ही सबसे सही समय है इसे कटिंग से ग्रो करने का।
गुड़हल की सिर्फ कटिंग ही लगाई जाती है। चाइना रोज की बात हो गई, पर रोज यानी कि गुलाब को हम भूले नहीं हैं। गुलाब को शुद्ध हिंदी में पाटली बोला जाता है। वैसे तो आजकल हाइब्रिड गुलाब लगाए जाते हैं, लेकिन अगर आप ढेर सारे छोटे छोटे नन्हे खुशबूदार फूल चाहते हैं तो गुलाब की देसी किस्म लगाइए, यही हमारी सलाह होगी। ये क्लाइंबर टाइप के होते हैं और ये बहुत ही खुशबूदार होते हैं। फूल इतने सारे आते हैं कि आप गिन ना पाएंगे। गुलाब की कलम जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर तक लगाई जाती है। बहुत सारे लोग अगस्त सितंबर में गुलाब की छटाई करते हैं यानी प्रूनिंग करते हैं, तो इससे जो ब्रांचेस निकलती हैं उनसे आप गुलाब के नए पौधे लगा सकते हैं। देसी गुलाब की किस्में बीज से भी उग जाती हैं, पर हमारी सलाह होगी कि आप हमेशा पौधा कटिंग से लगाएं। गुलाब की बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी, चाहे वो हाइब्रिड हो या देसी, पर गुलाब कटिंग से ही लगाना अच्छा रहता है। खुशबू वाले गुलाब की बात हुई तो चमेली को भी इस लिस्ट में शामिल कर ही लेना चाहिए। चमेली की कटिंग भी आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। यह लेयरिंग या एयर लेयरिंग से तैयार किया जाता है। इसकी कटिंग हमेशा रूटिंग हार्मोन के साथ लगाएं, तभी उसमें रूट्स आएंगी। यूजुअली इसमें रूट्स का आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेयरिंग करनी पड़ती है, पर जुलाई के महीने में इसकी लगाई गई कटिंग जरूर लग जाएगी। चमेली से मिलता जुलता फूलों की एक और किस्म है जिसे बेला कहते हैं, या मोगरा, मोतिया जैसे और नामों से भी जाना जाता है। यह भी जैस्मिनम फैमिली का ही पौधा है और इसकी कटिंग भी आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। यह भी लेयरिंग या एयर लेयरिंग से तैयार होने वाला पौधा है। जुलाई के महीने में अगर रूटिंग हार्मोन के साथ इसकी कटिंग लगाई जाए तो इसकी कटिंग आसानी से लग जाएगी और नया पौधा तैयार हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अब तक आपने सभी पौधों की सही पहचान कर ली है तो देर बिल्कुल भी मत कीजिए। जुलाई का महीना आ गया है, जहां से भी आपको कटिंग मिलती है आसपास से कटिंग लेकर आइए और पौधे उगाइए।